और ये भाई छोटा कैलाश, काफी मुश्किलों के बाद मैं पहुंच चुका भाई छोटा कैलाश। तो फाइनली भाई ट्रैक जहाँ से शुरू होता है वहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। तो अभी हम चलने वाले हैं भाई कैलाश का ट्रैक, जो भाई लगभग 3-4 किलोमीटर का होने वाला है। और भाई यहाँ से हमें अभी ऊपर को जाना है, तो इसके पार एक पहाड़ है भाई, उस पर चढ़ना है अभी हमें। और फिलहाल यार जो हमारे दोस्त थे वो तो मिल नहीं पा रहे हैं भाई, तो देखते हैं भाई रास्ते में कहीं पर मिलते हैं। तो भाई पहले उन्हें दूर देखो भाई कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है अभी। पहले हम पहुँच चुके हैं ट्रैक वाले एरिए पे, तो यहाँ से भाई ट्रैक स्टार्ट होगा और लगभग 3-4 किलोमीटर का ट्रैक होने वाला है। और देख रहे हो भीड़ कितनी ज़्यादा हो रही है यहाँ पर ये देखो भाई। ट्रैक तो स्टार्ट हो चुका है, तो भाई मैं ऊपर आ चुका हूँ 100 मीटर लगभग ऊपर, तो एंट्री वहाँ से थी। तो भाई दोस्तों लोग तो शायद ऊपर चले गए, तो फिलहाल देखते भाई ब्लॉगर कहीं रास्ते पे मूर्छित ना हो जाए। तो फिलहाल देखते हैं भाई ट्रैक कैसा रहता है, वो तो भाई जाके पता चलेगा। यो अभी भाई के चेहरे में बड़ी मुस्कान आ रही है क्योंकि भाई घर जा रहे हैं ना अभी ट्रैक से। चढ़ते टाइम लोगों को पता चलता है कि कितनी ज़्यादा तकलीफ होती है भाई, उतरते टाइम काफ़ी मज़ा आता है। तो भाई फिलहाल हेलमेट और मेरे राइडिंग पैड तो मैंने इस घर में रखवा लिए हैं, और फिलहाल 50 का नोट लगा, कोई दिक्कत नहीं है। सामान थोड़ा हल्का हो गया, तो फिलहाल यहाँ रखा भाई इस वाले घर पर। तो देखते हैं भाई कल जब हम आएँगे, शायद 9-10 तो बज ही जाएंगे आने में, तो उसके बाद जब हम नीचे को जाएंगे तो तब साथ में हेलमेट वेलमेट लेके जाएंगे। ये देखो बछड़ा कैसे सोया हो रहा। हर हर महादेव। तो फिलहाल यार 2:30 बज चुका है और रास्ते में हम अभी चल ही रहे हैं, अभी तो फिलहाल बैठ गए हैं। और दोस्त जो था हमारा लड़की के साथ गायब हो गया है, फिलहाल बैग भी उसी के पास है, क्या पता वो नीचे ही है या मंदिर में है अभी, भाई उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा है। तो भाई 5 मिनट रेस्ट कर लिया है, तो चलते हैं अपने सफ़र के लिए फिर से। अभी तो फिलहाल यार मुझे ट्रैक उतना बड़ा लग नहीं रहा है, तो देखते हैं भाई, क्योंकि यार बैग वैग भी मेरे पास कुछ है नहीं, जो साथ वाला था वो बैग ले गया, अगर बैग होता तो भाई और भी ज़्यादा थकान होती। तो फिलहाल देखते हैं भाई साथ वाला कहाँ पर मिलता है। देख रहे हो इतनी ज़्यादा भीड़, तो केदारनाथ यात्रा भी नहीं होगी जितनी इस मेले में हो रही है। अभी मैं छोटा होता अपने पापा के साथ आया होता ना, एक हेलीकॉप्टर लेता और सीधे यहाँ से फुर्री हो जाता। काश मेरे पास डोरेमोन की स्मॉल लाइट होती तो आज भी मैं छोटा हो जाता है, इस बच्चे के जितना बन जाता है। देखते हैं यार कैंपिंग का प्लान कैसा रहता है हमारा। फिलहाल टेंट वगैरह तो मैं घर से लेके आया था, तो बैग तो है दोस्त के पास और दोस्त है लड़की के पास, लड़की और लड़का दोनों नहीं मिल रहे। तो भाई सामने वो पहाड़ दिख रहा है, तो अभी हमने वहाँ जाना है। फिलहाल सुबह सुबह गूगल से मैंने पढ़ा भगवान शिव सतयुग में आए थे और यहाँ पर तपस्या की गई थी। एक तो इतना छोटा रास्ता है, ऊपर से केदारनाथ से ज़्यादा भीड़ यहाँ पर पे हो रही है। बोले फाइनली अभी पहुँचने वाले हैं हम छोटा क्लास, तो ये वाली जो चढ़ाई है भाई, ये वाली चढ़ाई कम्प्लीट करनी है, उसके बाद मंदिर आ जाएगा। तो भाई दोस्त लोग भी शायद ऊपर ही पहुँच गए होंगे। तो भाई छोटा कैलाश के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे सुबह सवेरे मिली गूगल से, तो भाई बोला जाता है कि सतयुग में भगवान शिव यहाँ पर तपस्या करने आए थे, तब से यहाँ पर भगवान शिव की पूजा की जाती है और छोटा कैलाश के नाम से जाना जाता है। जय हो, जय नानू मेरा साहेब बने बेटा, साहब नहीं बनना मेरे को, ब्लॉगर बनना है, बन पाऊंगा नहीं।
चप्पल खोल के। तो फिलहाल इस ट्रैक का एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा भाई आप लोगों को। फिलहाल यार मुझे तो उतनी ज़्यादा तकलीफ हुई नहीं, फिलहाल थोड़ी बहुत तो होती है, लेकिन पहाड़ी होने का एक एडवांटेज रहता है कि तुम आराम से पहाड़ चढ़ सकते हो, देख ही रहे हो वीडियो में। तो फिलहाल यार दोस्तों तो अभी तक मिला नहीं है, कुछ ज़्यादा इतना टफ ट्रैक है नहीं यार जो कि मतलब आदमी थक जाए, काफ़ी बूढ़े लोग भी चढ़ रहे हैं। यार दगड़िया मिल चुका है, ये है दगड़िया। अरे फाइनली गाइस ये सच्ची जो है अभी पहुंच रहे हैं हमसे एक घंटे लेट, और इसका जो है 30 किलो का 40 किलो का बोरिया बिस्तर है ना भाई। मैं देखो एक बार मेरे को अच्छे से भाई, मैं दुबला पत्ता लौटा, मैं उठा के लाया हूँ भाई इसको, और ये चढ़ाई चढ़ाई भाई क्या ये तो इसको बहाना मिल गया भाई, इसके अंदर क्या यार इतनी इसके अंदर इतनी एनर्जी आई, उसका कारण तो पूछो भाई से। मजबूरी थी कुछ नहीं आ रही है, कंधे दर्द कर रहे हैं। भाई ने आज तक 5 किलो का कट्टा घर नहीं पहुंचाया आटे का, देखो आज देखो इतना बड़ा बैग यहाँ पहुंचा दिया। हर हर महादेव। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं मंदिर में, और ये है भाई छोटा कैलाश, काफ़ी मुश्किलों के बाद मैं पहुंच चुका भाई छोटा कैलाश। काफ़ी रिएक्शन आ रहे हैं यार, कहीं की तो मैं भाई दाद दे दूंगा भाई आज, इतना बड़ा बोझा भाई अकेला उठा के लेके आया, देख रहे हो मेहनत किसी और ने की, फल और कोई और भोग गया अभी रात को, तो देखते हैं भाई कैसा सीन रहता है फिलहाल। और खो गया भाई दोस्त, अच्छा फोटो शूट हो रहा है यार यहाँ पर पे काफ़ी तगड़ा वाला। जय। तो फिलहाल ये लगा है भाई पंडाल, और तुम्हारा भाई भाई फाइनली पहुंच चुका है मंदिर पे, और हमारा दोस्त योगेश चुपाल तो लड़की की फ़ोटो लेने में व्यस्त है, तो उसको बाद में दिखाएंगे, फिलहाल यार मंदिर के चारों ओर एक चक्कर लगा लेते हैं यार। तो ये है भाई छोटा कैलाश, और तुम्हारा भाई अभी पहुंच चुका है, और देखो इतने ज़्यादा ऊपर मंदिर है, और देखो पूरा सिस्टम लगा पड़ा है डीजे का यहाँ पर, तो अभी तो फिलहाल बंद ही किया हुआ है लोगों ने। तो ये है भाई चारों तरफ का व्यू। तो भाई सामने पे है कुंड, ये वाला मंदिर है, ये है भाई मेन मंदिर, और भाई यहाँ पर पे लगा हुआ है पांडा, देख रहे हो भाई लाखों के हिसाब से आदमी आए हैं, और कितने लोग हमें रास्ते पे मिले थे, कितने चले गए हैं, और कितने आज रात यहीं रुकेंगे। फिलहाल हमारा बोरिया बिस्तर तो बैग में है, तो देखते हैं भाई अभी का क्या सीन रहता है। देख रहे हो रिएक्शन, मैं भी बड़ा व्लॉगर बनूंगा एक दिन। देखो मेन मंदिर तो यहाँ है, और ऊपर लगा है भाई पंडाल, तो भाई लाइन काफ़ी लंबी है, अगर मैं इसमें लगने की कोशिश भी करूँ तो कल सुबह तक नंबर आएगा। तो यार मैं अभी जा नहीं रहा हूँ, कि अगर सुबह टाइम मिलेगा तो क्या पता दर्शन कर लें हम, वैसे इतना आ गए हम वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। फिलहाल यार ये है मंदिर का बैक साइड वाला एरिया, तो देखते हैं यार अपनी कैंपिंग हम शायद उस साइड भी कर सकते हैं, और क्या पता हम इस साइड भी कर सकते हैं, कौन सी जगह हमें बेस्ट लगती है उस हिसाब से अपना टेंट वेंटे लगाएंगे। फिलहाल यार खाने की व्यवस्था मेरे पास कुछ नहीं है, तो यार जैसा कि मेरा गोप्रो यार ख़राब हो गया था, तो उसी को बनाने में रह गया भाई, तो देखते हैं भाई कैसा रहता है। वैसे टेंट वेंटे तो लाया हूँ, वैसे मेन है खाना भाई, खाना होगा तो बच जाएंगे सुबह देर तक, नहीं तो देखते हैं कैसा सीन रहता है यहाँ। यार यहाँ पर ऑलरेडी टेंटे लगे हुए हैं, तो मैं खाली टेंशन ले रहा था यार, तो अपना भी बोरिया बिस्तरा यहीं सेट करते हैं। यहाँ से व्यू देखो यार क्या जानदार व्यू आ रहा है यार। ये दीदी हैं, और ये भी दीदी हैं, और ये अम्मा बुआ, चलो बुआ हो गई है हमारी, और ये भाई भी है। तो कहाँ से हैं आप लोग? हम ये हल्द्वानी पलाड़ा से। तो ये है भाई मेन मंदिर, भैया घंटी बजाओगे? आओ पहुँचे नहीं, मेरी हाइट भी छोटी है ना यार, दिक्कत है। तो भाई देखो कितनी ज़्यादा भीड़ लगी है, अभी भी हमारा नंबर नहीं आ पाएगा, तो चलो देखते हैं कहीं कैंपिंग का सीन हो जाए तो। देखते हैं यार उस साइड को, मैं सोच रहा हूँ अपना टेंटे लगा लूँ। और भाई एक ये सामने वाला मंदिर है जहाँ पे पंडाल लगा हुआ है, और एक ये वाला मंदिर है मेन। मन चंगा तो कटोरी में भी गंगा, हमारे वहाँ एक किस्सा है, और आप लोगों के वहाँ भी वो किस्सा हो सकता है। तो देखते हैं भाई पहले अपने रहने की व्यवस्था करते हैं यार। मैं बैक एरिया से फ्रंट वाले एरिया में आ चुका हूँ, तो एक छोटी सी जगह बस यहाँ पर पे है, और बाकी बस नीचे पे है, तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे अपना टेंट लगा लूँ करके। तो एक बार पूछता हूँ भाई पुलिस वुलिस वालों से, अगर कोई सीन ना हो जाए, अगर वो परमिशन दे देंगे तो भाई मैं टेंट यहाँ पर ही लगा लूँ। तो फिलहाल जो दोस्त था वो तो चले गया, तो कुंडे दिखाता हूँ यार तुम्हें पहले। तो ये है भाई कुंड, और इसमें
पानी भी है इस साइड को तो नहीं है। ये जो ये कुंड दिख रहा है ये है पार्वती कुंड, और जो ये भाई साहब दिख रहे हैं इन्होंने बताया हमें कि ये पार्वती कुंड है। चलो एक और इन्फॉर्मेशन मिल गई हमें। तो फिलहाल यार परमिशन तो मिल गई है टेंट लगाने की, तो भाई अभी अपना टेंट लगेगा वो सामने वाले पे, तो घंटी बजा लेते हैं यार पहले। तो भाई बहुत सारा काम है अभी टेंट लगाने, अकेला हूँ मैं, वैसे दोस्त तो चले गया। अपना लग चुका है टेंट ठीक मंदिर के सामने, और भाई टेंट तो लगा लिया है, तो सामान घर पे ही रखा हुआ है भाई। तो सबसे पहले करते हैं टेंट को खोलते हैं। अभी मैं अंदर दिखाता हूँ, कोई भी आके कैंपिंग में बैठ सकता है, दिखाता हूँ। तो फिलहाल यार अपना सारा सामान रेडी हो चुका है, तो स्लीपिंग बैग खोलना है, वो जिस टाइम सोएंगे उसी टाइम खोलेंगे। और बैग तो देखो ऐसे फेंक रहेगा, कुकुर तो रह गया सामान की, और बाकी सामान यहाँ पर है, मोबाइल भी यहाँ पर ही है। तो फिलहाल यार डमरू बजा के देखते हैं एक बार, तो एक बढ़िया सा शॉट लेते हैं। मंदिर से क्योंकि वहां पर यार गाने चल रहे हैं, तो भाई देखते हैं यार व्लॉग कितना बन पाता है। फिलहाल यार मेरे गोप्रो में फिर से वही प्रॉब्लम आने लगी है, तो देखते हैं यार मैं कोशिश करूंगा यार जितना भी शूट कर रहा हूँ गोप्रो से, तो बाकी व्लॉग मैं फोन से भी बना सकता हूँ। और फिलहाल मैंने टेंट वहाँ लगा रखा है यार, अगर दिख रहा होगा। और ये देखो भाई रात को तो और ही सुंदर लग रहा है भाई मंदिर। अपने साथ भाई दो भाई लोग और हैं, ये भाई ये लोग कब तक रहते हैं मेरे साथ, क्योंकि इनकी फैमिली भी आई हुई है। तो फिलहाल यार जाबर पे डांस हो रहा है, वहाँ ले चलता हूँ यार आपको, और क्या पता आपको मेरी आवाज़ आ भी नहीं रही होगी क्योंकि इतनी ज़्यादा यहाँ पर साउंड लगे पड़े हैं। Oh, 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 oh
स्टार्ट हो जाता है, इतनी खड़ी चढ़ाई है और उसके बाद भी भाई यहाँ पे इतना तगड़ा सिस्टम है, हर चीज़ पानी की व्यवस्था और भंडारा देखो भाई, और लाइटिंग वाइटिंग पूरी मंदिर में की गई है, और भाई डीजे वीजे देखो इतना भयंकर लगा रहा है। यहाँ पर हमें एक दीदी मिल गई है, और दीदी कहाँ की है? ये पलाड़ा की। पलाड़ा कहाँ हुआ? यहाँ ये भीमताल। भीमताल तो दीदी है भीमताल की, और दीदी के हस्बैंड भी वहीं के हुए, तो हस्बैंड भी वहीं के। तो कैसा लगा आपको मंदिर? अच्छा लगा। कैलाश में आए हैं मंदिर में शिव जी के, यहाँ रात को भी यही है, कीर्तन भजन करेंगे अभी। हेलो, कब जाएंगे? ये मेरी जेठानी जी हैं। हाँ, जेठानी जी को भी दिखा लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कैसा लगा कैलाश आके? बढ़िया लगा है। कभी हमारे वहाँ हो पिथौरागढ़? भंडारे का खाना खा के अभी मैं जा रहा हूँ भाई मंदिर की ओर। तो भाई भंडारे में बनी थी खिचड़ी, तो वो बोल देना जब भूख लगती है तो भाई नमक के साथ रोटी भी अच्छी लगती है, पोहे वाला किस्सा हो रहा था। तो भाई खिचड़ी भी काफ़ी अच्छी लगी, एक टेस्ट होता है भाई मंदिर के खाने का, अलग ही रहता है। इस टाइम दिन में मैं आया था, उस टाइम तो मैंने माथा नहीं टेका, अब खाना खा के माथा टेक लेता हूँ यार। अभी भगवान के पास फिलहाल कोई नहीं यार, अभी खाना खा के देख रहे हो मैं माथा टेकने आ रहा हूँ, बताओ। चलो कोई नहीं। I'm gonna
टाइम हो रहा है 9:30, तो अभी भाई मैं मंदिर के पास बैठा हूँ, तो तुम्हारा भाई बैठा है अभी चेयर में। किसी भी मंदिर की बात कर लें, सबसे पहले नाना लेक ट्रैक और केदारनाथ की बात कर लें, जितने भी मंदिर पे मैं गया हूँ रैंडमली मतलब ये चीज़ें हो जाती है मेरे साथ। मैंने भी नहीं सोचा था कि आज मैं यहाँ पर आऊँ। तो यार दोस्त से बात हुई सुबह सुबह कि मंदिर चल रहे, तो अचानक से प्लान बना और मैं यहाँ आ गया, और मुश्किलें भी काफ़ी आई। बीच में रास्ते में मेरा गोप्रो ख़राब हो गया, गाड़ी का टायर भी पंचर हो गया, और उसके बाद भी मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ। तो फिलहाल नाइट कैंपिंग का भी मेरा कोई प्लान नहीं था, वो भी अनएक्सपेक्टेड था, तो वो चीज़ भी पूरी हो गई। फिलहाल नहीं, IIT एरिया में भी इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज यहाँ पे देखने को मिल रही है, तो आप देख ही सकते हो। अरे ये देखो भाई किस तरह के सजाया गया है, और DJ का भी काफ़ी अच्छा सिस्टम लगाया गया है, पानी की भी पूरी व्यवस्था है। भाई ब्लॉग भी काफ़ी लंबा हो चुका है, तो इस ब्लॉग को यहाँ पर ही एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। मिलते बड़े ऐसी नई वीडियो के साथ, अभी के लिए बाय एंड टेक केयर। जय भारत, जय उत्तराखंड। टाइम हो चुका है 7:30, और आज की सुबह जो हमारी मॉर्निंग हो रही है भाई, वो हो रही है छोटा कैलाश में। तो भाई सनराइज़ भी लगभग पूरा हो ही गया है, और रास्ता बता दूँ तो भाई अभी हमने जाना है भाई नीचे से ये वाला रास्ता, और उस पहाड़ के पीछे जो रोड दिख रही है आपको, तो वहाँ पर खड़ी है मेरी बाइक।